नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर नसुलागंज से है। बुधवार को मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन करते दो व्यक्तियों को पकड़ा है वन विभाग। लाटकुई को मुखबिर से सूचना मिली। ग्राम लांचोर के समीपस कुछ व्यक्ति लकड़ी का परिवहन कर रहे थे। सूचना मिलते वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और मौके से सागौन की सिल्लियां और वाहन को अपने कब्जे में लिया। इसके साथ दो व्यक्ति को भी पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग ने एक इंटिका कार को जब रोका तो उसमें अवैध सागौन की 10 नग सिल्लियां 0.402 घन मीटर पाई गई। कुणाल विश्वकर्मा उम्र 21 वर्षीय, पिता कैलाश विश्वकर्मा निवासी लाड़कोई, राज उम्र 17 वर्षीय, पिता गोपाल विश्वकर्मा निवासी लाड़कोई को पकड़ा है, जिनके खिलाफ वन अपराध के तहत प्रकरण दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त होती है, हम प्राप्त सूचना के आधार पर मौके पर अपने गश्ती दल के साथ पहुँचते हैं और मौके से एक इंडिका गाड़ी जिसका वाहन क्रमांक MP09CB57787 है उसे पकड़ने में सफलता प्राप्त करते हैं। इंडिका गाड़ी में 10 नग सागौन की सिल्लियाँ जिनकी माप 0.402 किलोमीटर है पकड़ने में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही वाहन के साथ में दो अपराधी जिनके नाम राज विश्वकर्मा पुत्र गोपाल विश्वकर्मा निवासी लाड़कोई, कुणाल विश्वकर्मा सनौप कैलाश विश्वकर्मा, ये दोनों ही लाड़कोई के निवासी हैं। जब्त बनोपज का मूल्य 21,957 रुपये एवं जब्त वाहन का मूल्य 80,000 रुपये है। इस तरह से कुल 101,957 रुपये की जब्ती करने में हमने सर इसके बाद इन वाहन पर जो आरोप पकड़े गए हैं इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? दोनों ही आरोपियों को वाहन को जब्त करते हुए रास्ता के लिए कार्रवाई के लिए अग्रसित कर दिया गया है। साथ में दोनों ही आरोपियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। सर अब तक की आपके कार्यकाल में कितने वाहन और कितने रुपये मूल्य की जो लकड़ियाँ पकड़ी जा चुकी हैं? हमारे जब से यहाँ पर हमें चार्ज मिला हुआ है 10 से लगभग हमने 4 व्हीलर और 40 से अधिक मोटरसाइकिल को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। कुल वाहनों के भौतिक मूल्य लगभग 50 लाख रुपए के हैं।